दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देखो अर्निंग प्रूफ, यहां पर आप देख सकते हो 24.7 के डॉलर से 394.7 के डॉलर की ये अर्निंग कर रहा है पर मंथ। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रुपए अगर इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है। यहां पर आप देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं सिंपल, कुछ नहीं करूंगा, सिंपल 24 एंड यहां पर 30 लगा दूंगा। अब यहां पर आप नीचे देख सकते हो कि ये जो अमाउंट है कितना बड़ा है। यहां पर आप देख सकते हो 19,94,652 रुपए हो रहा है। यहाँ पर ये बंदा एक महीने के अंदर इतना पैसा छाप रहा है, वो भी किड्स वाले चैनल से, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कॉपी पेस्ट करके आप इसी प्रकार का चैनल किस प्रकार से बना सकते हो, साथ ही में अपने चैनल को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हो, कौन सी आपको स्ट्रेटेजीज लगानी है जिससे कि आप ग्रो हो जाओगे। और आज की वीडियो ना पूरी तरीके से स्पेसिफाई होने वाली है, कोई भी ज्यादा लेक्चर नहीं होने वाला है। सिंपली मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले चैनल का प्रूफ दिखाने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि आपको कैसे लगाना है। यार यहाँ पर आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि जो ट्रिक आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, और अगर आप इस ट्रिक पे काम करते हो तो यहां पर आपकी जो वीडियोस है वो काफी ज्यादा वायरल होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। और आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो लेके आता हूं, जो भी टॉपिक आपको बताता हूं, वो ट्रेंडिंग होता है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर साइड में आपको मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे चैनल प्रूफ के बारे में, जिसमें मैं आपको इनका चैनल दिखा दूंगा, जिससे कि आपको ट्रस्ट बने और आपको लगे कि यार हाँ सच में यहाँ से बंदा पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्लिक करता हूँ इस पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल सर्च करता हूँ इस वाले चैनल का नाम। यहाँ पर आप देखो मैंने सर्च कर दिया सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल सर्च किया आपके सामने, ठीक है। इस वाले चैनल पर मैंने सिंपल क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप सबसे पहले देखो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स 2.6 करोड़, समझ रहे हो, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होता है, 2.6 करोड़, मतलब 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके। और यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हो 229, मतलब 229 वीडियो यहाँ पर ये अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पर। अब हम बात करते हैं इनकी वीडियोस पर, वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हो 3 दिन पहले इन्होंने डाली है जिस पर 3,000 व्यूज आया, उसके बाद यहाँ पर आप देखो 9 दिन पहले डाली है जिस पर 42,000 व्यूज आया है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 3 वीक पहले डाली है जिस पर 1,00,000 व्यूज आया। अब यहाँ से आप 1,31,000, 28,000, 2,00,000, 3,00,000, 1,46,000, 76,000, 76,000, 4 महीने पहले वीडियो डली हुई है, 76,000 कंटिन्यू बंदा काम भी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी जो अर्निंग आपको मैंने शुरू में दिखाई उतना पैसा छाप रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ इस टाइप से ये वीडियोस बनाते हैं। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कब इनका चैनल बना हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 का चैनल, मतलब काफी ज्यादा पुराना चैनल है, ठीक है। अब आप सोच लो कि इनका जो चैनल है यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाला नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कि ये वीडियो कैसे बनाते हैं, तो हम एक वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को जो है वो प्ले कर दिया। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड आ रही है, मतलब बंदा अच्छा खासा पैसा छाप रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। तो यहाँ पर ऐड आ रही है, मैं इसको स्क्रिप कर देता हूँ सिंपल सा, ठीक है, और यहाँ पर आप सुनिए अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये बंदा अपने इस चैनल पर इस टाइप से वीडियोस अपलोड कर रहा है, जो कि बनाना काफी ज्यादा सिंपल है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस टाइप की वीडियोस बना लेंगे आप 2 मिनट के अंदर, और 2 मिनट के अंदर वीडियो को बनाने के बाद आप 2 मिनट के अंदर इसकी वॉइस ओवर करके और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वॉइस ओवर करने के लिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप नहीं भी कर सकते चलेगा, बट वॉइस ओवर करने के लिए मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि भाई आपका कोई भी कॉपीराइट वगैरह का डर ना रहे, क्योंकि यार यूट्यूब जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स करते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया किस टाइप से वीडियोस बना रहे हैं ये, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इस टाइप से वीडियोस बनानी कैसे, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी बोलेंगे कि भाई किड्स वाले चैनल पर अर्निंग नहीं होती है, मैं आपको शुरू में प्रूफ तो दिखा ही चुका हूँ, साथ में 2-3 चीजें आपको और बता देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर जो किड्स वाले चैनल रहते हैं ना, वो कभी भी एक चैनल पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के पास कम से कम 5 से 6 चैनल एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये वाला चैनल है ना, इस पर मैं बैक करता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले चैनल को सबसे पहले क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, जो आपको चीज दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इनके चैनल पे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल चैनल पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे आप देखो, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर आप देखो
किड्स टीवी हिंदी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप नीचे देखो, ये वाला एक चैनल है जिसपे 27.1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और नीचे आ जाओ किड्स टीवी बांग्ला भी है, किड्स टीवी मराठी भी है, फिर नर्सरी, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे चैनल इनके ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से इन्होंने चैनल जो है वो अपने क्रिएट करके रखे हुए हैं, मतलब ये कभी भी एक चैनल पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लो कि आपको भी कभी भी चैनल बनाना है किड्स वाला, तो कभी भी एक पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको 4 से 5 चैनल खोलिए और सब पर कॉन्टेंट अपलोड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि यार ये जो कॉन्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है, बच्चे जो हैं इसकी ज़्यादा मांग करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसीलिए यहाँ पर इनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन लोगों को अर्निंग होती है स्पॉन्सर के थ्रू, क्योंकि कभी भी कोई नई गेम आती है, कोई नई वीडियो गेम आती है, कोई भी एप्लीकेशन आती है गेम से रिलेटेड, किड्स कॉन्टेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो इन लोगों को प्रोवाइड करी जाती है, जिससे कि इन लोग गेम प्ले करके या फिर वीडियोज़ को प्ले करके या फिर अपनी गेम को दिखाकर इस लोग पैसे छापते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई यहाँ से आप पैसा तो अच्छा खासा छाप सकते हो, तो ये दिमाग से निकाल दो कि यार पैसे आप नहीं कमा पाओगे किड्स कॉन्टेंट से, ठीक है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एडिटिंग कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आपको सबसे पहले चले जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद सिंपल आपने यहां पर टाइप करना है हम्पटी ट्रेन, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर टाइप कर दोगे, अब यहां पर आप देखो आपके सामने कई सारे गेम्स आ चुके, ठीक है। आपने क्या करना है, यहां पर जो ज्यादा एमबी की गेम है, जैसे कि यहां पर आप देखो एक ये वाला गेम था जो मैंने यहां पर डाउनलोड कर चुका है, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं बैक आता हूं, उसके बाद नीचे आप देखो यहां पर एक 300 एमबी का एक गेम है, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। 2 से 3 आपको गेम जो है वो डाउनलोड करके रखना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गेम इनका जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, प्ले पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा किस टाइप से ये जो गेम है ये हमारा प्ले होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस गेम को सिंपली ओपन कर लिया है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से गेम देखने को मिलेगा। आपने क्या करना, सिंपल यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो डंडी दिख रही ना इसको ऊपर करना है, जैसे कि यहाँ पर ये एरो भी दिखा रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली ओपन ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है ये यहाँ पर चलने लग जाएगी, हम छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। नीचे करेंगे तो कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना। तो हमको इसको सिंपली ओपन ऊपर करे रखना है और धीरे धीरे इसको प्ले करना है, ठीक है। ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करिएगा और यहाँ पर आप बोलते जाइएगा, कुछ भी चीज़ जब आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसके बाद आपको बोलने में आसानी होगी, इसलिए आपको इसको क्या करना है, स्लो चलाना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलाना है, जैसे कि आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी और आपका जो कॉन्टेंट है वो ज़्यादा बनेगा और इसको ज़्यादा लोग देखना जो है वो पसंद करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पर जो जिस पर एरो पर क्लिक करा उस उसका आपने कॉन्टेंट बनाना है। जैसे कि आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर ये बैठ जाएगी। इसके बाद ये वाले बंदे को अपन ने यहाँ पर इस ट्रेन में बिठाना था, हम इसको क्या करेंगे, इस वाले बंदे को यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर बिठा देंगे। तो यहाँ पर जो बंदा है हमारा बैठ चुका है और यहाँ पर हम विन हो चुके हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गई, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो गेम है ये यहाँ पर सिंपली आगे जाएगा, अब है ना दोस्तों। सिंपल इस प्रकार से आपने क्या करना, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, ओके। जैसे आप रिकॉर्ड कर लेते हो उसके बाद करना है हमको एडिटिंग। एडिटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर पहले से ही होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यू कट वीडियो एडिटर को सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और फ्री है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप एडिटिंग कर लेंगे, फिल्टर्ड कर लेंगे अपनी वीडियोस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा इस वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करा, यहाँ पर मुझे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है इस पर मुझे सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इधर पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर मेरे को अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है उस गेम प्ले के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मेरे को सिंपली जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी उस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर सिंपल सा मैंने क्लिक कर दिया है इस वाले साइन पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी वो मेरे पास वीडियो आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से लेयर पर क्लिक करना है, इसके बाद इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल्टर पर जाना है, ओके। फिल्टर पर जाने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट पर जाना है और यहाँ पर आपने लाइटनेस जो दिख रही है इसको हल्का सा क्या कर देना है, हल्का सा कम करना है, ठीक है। और कंट्रास्ट जो दिख रहा है इसको हल्का सा बढ़ा देना है। इसके बाद वार्मनेस में जाके आपको इसको हल्का सा बढ़ाना है और हल्का सा घटाना है, ठीक है।
इसके बाद आपने टिंट पे जाना है और यहाँ पर इसको हल्का सा इंक्रीज करना है, सैचुरेशन पे जाके भी इसको हल्का सा इंक्रीज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हाइलाइट्स पे आना है और हाइलाइट्स पे भी इसको हल्का सा इंक्रीज करना है। और यहाँ पर आपने इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा आ जाना है शार्पनेस पर, और शार्पनेस को हल्का सा यहाँ पर क्या करना है, 10 पॉइंट आपने बढ़ा लेने, ठीक है। 10 पॉइंट बढ़ाने के बाद आपकी जो वीडियो है वो अपलोड होने के लिए रेडी हो चुकी है। लेकिन आपने यहाँ पर एक काम बहुत ही ध्यान पूर्वक कर लेना है, वो काम ये है कि आपने यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी वीडियो दिख रही है इसमें जो वॉइस है इस वॉइस को आपने हटा लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आपने क्या करना है, सिंपल से इस वॉइस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ, वॉल्यूम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपने, इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर आपने सिंपल से क्लिक करना है और अपनी वॉल्यूम को बिल्कुल ही डाउन कर देना है, ठीक है। पूरी मैंने बंद कर दी है, अब मेरी जो वॉल्यूम है मेरी वीडियो में नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने से एक तो गाना जो भी जो बैकग्राउंड सॉन्ग होता है उसे यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। जो भी आपके मन में आए, जो भी चीज़ आए, ठीक है, उस गाने को यहाँ पर एंटर कर देना है, ओके। एंटर करने के बाद जो भी आपको पसंद आए, मतलब एक तो इंटरेस्टिंग टाइप से डालिएगा, ठीक है ना। अगर आपको सॉन्ग्स नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, साथ ही में आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल से आपने कोई सॉन्ग डाल देना, सॉन्ग डालने के बाद आपको यहाँ पर वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से ये चलेगा, ठीक है ना। इस टाइप से चलने के बाद आपने यहाँ पर सॉन्ग प्ले करना है, यहाँ पर आपने नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ पर इतना जब हो जाएगा आपका तो इसके बाद यहाँ पर जो आपका गेम प्ले है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपने बोला ये जो ट्रेन है हमारी यहाँ से यहाँ पे जाने वाली है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रेन है यहाँ पर सिंपल सा रुकेगी, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर जो हमारी ट्रेन है वो रुक चुकी है। अब यहाँ पर हमको डिब्बा ऐड करना है, तो डिब्बा हमारा वो पड़ा हुआ है, हमको ये डिब्बा उठा के यहाँ पर लेके आना, ठीक है। और ऊपर जो राइट वाला चिन्ह दिख रहा है इस पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही बंदा यहाँ पर राइट वाले चिन्ह पर क्लिक करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो क्लिक किया, ये डिब्बा जाके हमारा जुड़ चुका है और ये हमारी ट्रेन जुड़ चुकी है, फिर से स्टार्ट हो चुकी है चलने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। इस प्रकार से आपने बोलना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेन है काफी ज्यादा खतरनाक शो में जाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है वो चढ़ रही है ऊपर चढ़ान पर, ठीक है। इस प्रकार से आपने वॉइस ओवर करना है, यहाँ पर जो आपकी जो वीडियो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी। और यहाँ पर आपको अपना जो एडजस्टमेंट वगैरह अच्छे तरीके से करना, अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो कॉपीराइट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिस टाइप से मैंने आपको बताया है ना, इस टाइप से अगर आप काम करते हो, इस टाइप से अपनी वीडियो को एडिट करते हो, तो मात्र जो वीडियो है वो आप बना सकते हो 30 से 40 मिनट की। लेकिन अगर आप 10-10 मिनट की वीडियो भी बनाओ के अपलोड करोगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट की मिनिमम ये वाली वीडियो बनाना, और सिंपल से आपने वॉइस ओवर करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, वॉइस ओवर जो हो रहा है वही देख देख के बोलते जाना, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हो। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर आप अपना चेहरा भी लगा सकते हो, अगर आप चेहरा दिखा सकते हो तो चेहरा भी लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ से कंटेंट उठाओ, मतलब आपको रिकॉर्डिंग करनी, ठीक है ना, कंटेंट ही तो मिल रहा ना आपको, तो वहाँ से रिकॉर्डिंग करो और यहाँ पर सिंपल सा एडिटिंग कर लो, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर भी आपके पास। और सिंपल आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, ठीक है। सेव करने से पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना लोगो भी लगा सकते हो, अगर लगाना चाहते हो तो आप लोगो भी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी वीडियो की जो क्वालिटी आपको 30 FPS पर रखनी है, 1080p पर रखने के बाद आपने सेव कर देना, आपकी जो MB जो है वो कम भी लगेगी, आपकी वीडियो भी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो जाएगी। और जो वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड होती है उसे ले जाकर आपने सिंपल सा क्या करना है, YouTube पर अपलोड कर देना। अब भाई लोग मेरे से आप बोलोगे कि यार YouTube पर हम अपलोड तो कर देंगे लेकिन व्यूज कैसे आएंगे हमारे, तो व्यूज का भी जुगाड़ है। आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने चले जाना है फिर से यहाँ पर, कहाँ पर, अपने YouTube पर, ठीक है। जैसे कि मैं चले जाता हूँ YouTube पर, जाने के बाद मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ भाई अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि यार आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। बाकी भले ही आपको मेरी वीडियो जो है लंबी लगती है, लेकिन यार मैं जो भी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, बंदा अच्छे से समझ जरूर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फिर से वाले चैनल पर आ चुके हैं। चैनल पर आने के बाद आपने क्या करना, सिंपल सा वीडियोज़ पर जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ना जिस प्रकार से ये बंदा, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, वीडियो को क्लिक ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो ऐड है, इस ऐड को क्या करते हैं, हटाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देख सकते हो ऐड को हटा दिया हमने, ठीक है। ऐड को हटाने के बाद इसको बंद कर लेते, बंद करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो टाइटल है, ध्यान से देखना, इनका जो टाइटल है जिस प्रकार से इनका टाइटल रखा हुआ है, सेम टू सेम आपने भी इसी टाइटल को कॉपी करके अपनी वीडियो में पेस्ट कर लेना है। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, आपको 110% व्यूज ना आए तो आप कहना। यहाँ पर आप देखो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और आपकी वीडियो में जिस रिलेटेड काम हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर जो काम हो रहा है फ्रूट से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने फ्रूट के नाम डाले हुए हैं, ठीक है ना, रंगीन फल या कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो अगर आपकी जो ट्रेन वगैरह है उसमें जिस रिलेटेड काम हो रहा है उस रिलेटेड आपने यहाँ पर टाइटल टैग डाल देना, ठीक है। टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग्स आपने क्या रखने हैं, जो भी चीज आपने यहां पर हो रही है, अगर इस बंदे ने टैग डाले हैं तो
तो आपने टैग डालना है, अदरवाइज आपने टैग भी नहीं डालना, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, आपका काम हो गया। अब यहाँ पर बात आती है आपकी वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी। अब मैं बता दूँ आपकी जो वीडियो वो 100% चलेगी। कॉपीराइट की बात करी जाए तो एक भी आपको कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा, और ये कॉन्टेंट 110% मोनेटाइज होता है, इसकी मेरे से आप गारंटी ले सकते हो, क्योंकि ये जो बंदा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसका प्रूफ मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, वीडियो शुरू होने से पहले आपको प्रूफ दिखा दिया था कि भाई देख लो यहाँ पर ये जो बंदा अच्छा खासा जो पैसा जो है वो छाप रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, यही था आज का कंटेंट। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। तो यार अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।